धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। एक शेर से आज अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वैसे आप लोग जानते हैं कभी कभी शायरी कर लेता हूं, दूसरों के शेर चुरा के पढ़ लेता हूं और आपके सामने ज़्यादा क्रांतिवीर पत्रकार बनने की कोशिश करता हूं। शेर कुछ इस तरीके से है कि बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, न जाने कब से दुनिया बनी हुई, हज़ारों लाखों साल से और चलता चला जा रहा है सिलसिला और आगे भी हज़ारों लाखों साल तक चलता रहेगा। हर आदमी को अपना एक रोल मिला है, वो प्ले करे और जाए। बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, ज़रूर कोई कमी है जो पाई जाती है। जी हाँ, ज़रूर कोई कमी होती है, फिर नए सिरे से चीज़ें शुरू की जाती हैं। ऐसे ही एक चीज़ है इत्तेहाद, यानी कि एकता। इसके लिए बहुत सारे लोग सदियों से काम करते रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे और वर्तमान समय में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को एक साथ लाने की बात करते हैं और कुछ लोग मुस्लिम जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे मुसलमानों की जितनी मिली तंजीमें हैं, उनको साथ लाने की कोशिशें करते रहते हैं। अब कितनी कामयाब हो यहां पहले से देखते आ रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे और वर्तमान समय में भी दिख रहा है। लेकिन अब मैं आपके सामने इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर उभरी है। यहां पे पीस पार्टी के मुखिया हैं डॉक्टर अय्यूब अंसारी और असदुद्दीन ओवैसी को तो सब जानती हैं, हैदराबाद के बड़े नेता हैं, मीडिया उनको खूब चमकाता है, जहाँ भी जाते हैं मीडिया पीछे पीछे लगा रहता है, अच्छी खासी वो TRP दिलाते हैं। इन दोनों को एक मंच पे लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों नहीं आए, दोनों ने इनकार कर दिया। तो इसी के बाद सवाल पैदा हुआ कि क्या ये लोग वाकई में संजीदा हैं इस बात को लेके कि एक मुसलमानों की लीडरशिप होनी चाहिए, तमाम पार्टियाँ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, और किसने की थी ये कोशिश और अब वो क्या करेंगे जब उनकी ये कोशिश फेल हो गई। तो इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए मुंबई से जुड़ रहे हैं इस्माइल बाटली वाला। पहले उनका एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर आगे उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी, आपका भी शुक्रिया धाकड़ खबर से न्यूज से हमें जोड़ने के लिए, और आपके जरिए आपके जो लोग हैं व्यूअर हैं उन तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी तंजीम क्या है, आप कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ अगर परिचय के तौर पे संक्षेप में बता दें तो बेहतर होगा। देखिए, हमारी कोई तंजीम नहीं है, ना मैं किसी तंजीम का मेंबर हूँ, ना हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। हम मुहिम चला रहे हैं जंगे आजादी की तरह, समझे साहब। जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है या तंजीम बनाई जाती है तो उसमें लिमिटेशन आ जाते हैं, लेकिन जब मुहिम चलाई जाती है तो उसमें लिमिटेशन नहीं आते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग, हर तरह के लोग उसे जुड़ सकते हैं, इसलिए हमने ना पार्टी बनाई है ना तंजीम बनाई है। तो करते क्या है आप लोग, कैसे लोगों को जोड़ते हैं फिर बगैर तंजीम और बगैर पार्टी के? वो कोशिश जारी है, लोग देख रहे हैं, आप भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो लोग जुड़ रहे हैं हमसे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। जैसे कि जंगे आजादी में कैसे जुड़े थे, तंजीम तो नहीं थी, वहां भी पार्टी भी नहीं थी, लोग जुड़े थे। मुहिम से जुड़ना आसान है, पार्टी से जुड़ना कठिन है, तंजीमों से भी जुड़ना कठिन है, हमसे जुड़ रहे हैं लोग। ठीक है, आपसे लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि आप एक मुहिम लेके चल रहे हैं और मुहिम को के लिए आपको किसी पार्टी या तंजीम की, यानी कि किसी संस्था की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या आप लोगों ने कोशिश की थी डॉक्टर अय्यूब अंसारी को साथ लाने की, असदुद्दीन ओवैसी को साथ लाने की, या उनके प्रदेश अध्यक्षों को साथ लाने की, क्या कोशिश की थी आपने? उन सबकी कोशिश बहुत तरह की हो चुकी है, खत देना, मीटिंग में बुलाना, बातचीत करना वगैरह वगैरह, सारी कोशिशें हद से बाहर जा चुकी हैं। अब हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि अब उन तमाम कोशिशों को नज़रअंदाज करते रहे हैं, धुतकारते रहे हैं, तो अब हम धरने की शक्ल में बैठने वाले हैं, और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही धरना होना था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया, वहाँ पंचायत के चुनाव होना शुरू हो रहे हैं, सुबहाट हो रही है, सभी पार्टियां चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं, इसलिए हम लोगों ने अप्रैल के धरने को आगे बढ़ाया है। ठीक है, आपने अप्रैल के धरने को आगे बढ़ा दिया, लेकिन मैं अपनी उसी बात पर रहना चाहता हूँ। आपने जो कोशिश की थी, कितनी पार्टियों को एक साथ लाना चाहते थे, बैठा के बात कराना चाहते थे, वो क्यों नहीं आए, या आपको कितनी कामयाबी मिली, ये सब चीज़ें बताइए ना। मैं कामयाबी की, जहां तक आवामी कामयाबी की बात है, मुझे लगता है कि 95% जो है कामयाबी मिली, और लीडरशिप में अभी हम जीरो हैं।
एक भी लीडर इतिहाद नहीं चाहता है, सबको इतिहाद से नफरत है। इतिहाद करने का तरीका भी उन्हें पता नहीं है, इतिहाद के मीनिंग का भी उन्हें पता नहीं है। इनका जो तरीका है ये 2 साल के बच्चों जैसा तरीका है। ये 2 साल के बच्चे जैसे चाहते हैं कि भाई माँ हो या घर के सारे लोग, दादी दादा हो, दूसरे लोग हो, मुझे ही ध्यान से देखें, मेरे ही बातों को सुने और मेरी बात को माने, मेरी तरफ ही उनका ध्यान रहना चाहिए। इसी तरह जिस तरह वो 2 साल के बच्चे हैं, ये हमारी लीडरशिप भी उनसे ज्यादा हैसियत नहीं रखती है सियासी तौर पर। ठीक है, आपका कहना यह है कि हर कोई अपना डंडा अपना झंडा लेके अलग चल रहा है और वो कह रहा है कि मुझे नेता मानो, दूसरे को नेता मानने को वो तैयार नहीं है, या आपस में जुड़ के वो तमाम नेता एक ताकत की शक्ल में सामने नहीं आना चाहते, छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है बाटली वाला साहब कि आपकी बात क्यों सुने, आप कौन हैं? अगर आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं तो क्यों सुने आपकी बात? नहीं, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, इत्तेहाद इन्हें करना चाहिए। हम तो एक वोटर की हैसियत रखते हैं, हमने आपको बता दिया ना, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना हमारी कोई तंजीम है, हम एक वोटर हैं, संजय साहब हमारी बात सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूरी है, ये उन्हीं को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम जैसे लोग बाहर आ रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रहे हैं, सबसे ज्यादा तकरीरें वो लोग करते हैं, मीडिया में छाए रहते हैं, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तो मुत्तहिद होने के लिए कोई भी बता दे, असदुद्दीन ओवैसी हो या अयूब जी हो या कोई भी हो, आज तक कभी पार्टी नहीं बुलाई, मीटिंग नहीं बुलाई इन लोगों ने। क्या तकरीरें करने से, मीडिया में बयानबाजी करने से इत्तेहाद हो जाएगा? मीटिंग बुलाना पड़ेगा या मीटिंग में आना पड़ेगा और चर्चा करना पड़ेगा, उसकी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, अपने नहीं सुननी पड़ेगी, सामने वाले की सुनने पड़ेगी, तब इत्तेहाद के रास्ते निकलते हैं। दूर दूर से वहां से बड़हरगंज से वो तीर चला रहे हैं, वो हैदराबाद से तीर चला रहे हैं, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, ये मुमकिनात में से नहीं है। 2 लोग अगर आप मुत्तहिद नहीं हो पाते हो, एक जगह बैठकर चाय पीने को तैयार नहीं हो, तो करोड़ों मुसलमानों को कैसे मुत्तहिद कर सकोगे? इसलिए हम लोगों का ध्यान दिन पर दिलाने के लिए उनके यहाँ हम धरने देने की कोशिश में रहेंगे। चलिए, आप उनके खिलाफ धरने देंगे, उस पर भी बात आगे मैं करना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर आप पे ही आना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं मुसलमान पार्टियों को इत्तेहाद करना चाहिए, ये नया फार्मूला क्या निकाल के लेके आए? असदुद्दीन ओवैसी तो दलितों ओबीसी लोगों के साथ मिलकर इत्तेहाद तो कर ही रहे हैं। नहीं, हम नया फार्मूला नहीं लेके आए हैं, हमने जो खोज की है इस देश की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए, हमारे कौम की भलाई के लिए, दलितों पिछड़ों की भलाई के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी भलाई के लिए जो हमने खोज पाई है, वो खोज यही है कि मुसलमान इस देश के अंदर राजनीति के पिछली सफ में खड़ा है, और जब तक ये अगली सफ में नहीं आएगा, किसी भी दबे कुचले को यहाँ इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद की, मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश में आए। वो के इस तरह जो है, रईस साहब आप में रहते हैं और आपके घर में कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो आप सारा बंदोबस्त कर सकते हैं, खाने पीने का तमाम अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10-20 लोगों को मेजबान नहीं बना सके हैं या मेजबान की टीम आपके पास नहीं है, तो आपका सब किया तरह पानी फिर जाएगा और लोग आपकी इज्जत करने के बजाय आपको गालियां देकर जाएंगे। तो जो कि जब मेजबान टीम की बात आती है, तो लोग मेजबान अपने करीबी को ही बनाते हैं, अपने परिवार को बनाते हैं, अपने रिश्तेदार को बनाते हैं, अपने पड़ोसी को बनाते हैं, अपने दोस्तों को बनाते हैं। तो जब हम मेजबान की टीम बना रहे हैं, ताकि जिस दिन इस देश को दावत दी जाए, तो मेजबान की टीम हमारे पास रेडी हो उनका स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। ठीक है, मेजबान की टीम आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब इस देश के अवाम को दावत दी जाए तो आपके पास पहले से लोग तैयार हों, लेकिन आपकी ये कोशिश कहीं ना कहीं आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी को एक मौका नहीं देगी कि देखो मुसलमान एक हो रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमने जो खत लिखे हैं, 3 खत लिखे हैं, तीनों खत के इर्द गिर्द ही हमारी मूवमेंट चल रही है। पोलराइजेशन का कोई चांस उसके अंदर नहीं है, ना हमारी जज्बाती तकरीरें होती हैं, ना हम जज्बाती तरीके से काम करते हैं, ना जज्बाती लोगों को हम अपने करीब रखते हैं, तो वो नहीं होगा। हम तो देश हित की बात कर रहे हैं भाई, वो इसलिए कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए और सबको मौका मिला है, एक बार हमें हमारी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। जमहूरी देश है, अगर हमारी बात को जनता ने पसंद किया तो पोलराइजेशन कैसा होगा?
हम तो जन यहाँ तो वोटर तो जनता ही है ना। अगर लोग जी हमारी बात को मान लेते हैं, सभी समाज के लोगों के बीच हमारी बात जाएगी, अगर वो मान लेते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ से खड़ी होगी। आप कह रहे हैं कि हमारी बात सभी लोगों के बीच जाएगी तो उससे दिक्कत कहाँ खड़ी होगी। अब बात करते हैं आपके धरने को लेके। तो आप धरना इसलिए देने जा रहे हैं कि तमाम पार्टी जो नाम निहाद पार्टी हैं रात दिन कहती हैं कि हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, वो एक मंच पे नहीं आ रही हैं, तो आप उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो उससे लगता है आपको कि ये लोग सबक लेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ इनको अक्ल आएगी? अकरम साहब, हम उनके खिलाफ धरना देने नहीं जा रहे। अच्छा ये जो आपने कहा उनके खिलाफ धरना दे रहे जा, बिल्कुल नहीं, हम उनके अच्छा खिलाफ नहीं, बल्कि वो बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं, हम उनसे हाथ पर जोड़ कर उनसे गुजारिश करने जा रहे हैं कि बच्चा जिद मत करो, और भी इस घर में तुम्हारे भाई बहन लोग हैं, इन सब भाई बहन को लेके चलने वाले को ही परिवार कहा जाता है, और जब सभी घर वालों को लेके चला जाता है तभी घर चलता है, जिद करके नहीं चलता है। उन्हें वो जिद के परिभाषा समझाने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जा रहे। उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आवाम को जागरूक करने के लिए जा रहे हैं कि अपनी लीडरशिप को झकझोरिए, उसको होश में लाइए ताकि वो इत्तेहाद की बात करे। लेकिन ये इत्तेहाद की बात उत्तर प्रदेश में ही क्यों की जा रही है? कहीं और भी आपने की है क्या पहले? नहीं, पूरे इंडिया में चालू है जी, पूरे इंडिया में चालू है वो। के रईस साहब, मसला ये है कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट में तो उसका सैंपल बनाने की कोशिश की जाती है जी भाई, पूरा प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के पहले, उसको प्रोडक्शन में ले आने के पहले सैंपल तैयार किया जाता है। वो कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वहाँ के हर चीज से मैं वाकफियत रखता हूँ, तो हम सैंपल इस देश के सामने पेश करना चाहते हैं। यूपी एक सैंपल होगा इत्तेहाद का, और ये धरने का भी सैंपल होगा। ये धरना सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है बल्कि इस देश के लोगों को सिखाने का भी धरना होने जा रहा है। ये बड़ा निराला धरना होगा जो अभी तक देश में नहीं हुआ है। आजादी के बाद से जितने धरने हुए हैं, असफल धरने हुए हैं, किसी में सफलता नहीं मिली है, और ये हम धरना करने वालों को भी सिखाने जा रहे हैं कि धरने का तौर तरीका बदलिए। वो जो धरने थे वो दुश्मनों के खिलाफ थे, अब ये धरने अपनों के फेवर में हमें करना है, अपनों से लड़ना है, इसलिए धरने का तौर तरीका बदला जाए। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये धरने का तौर तरीका दूसरों को भी सिखाएंगे, जो आंदोलनकारी बैठे रहते हैं जंतर मंतर पर वगैरह वगैरह, उनको भी हम सिखाएंगे कि वो पद्धति ठीक नहीं है धरने की, धरना इस तरह करिए ताकि सफलता आपको मिल पाए। चलिए हम देखेंगे कि आपका धरना किस तरीके का होगा, और आप दावा कर रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी और लोग उससे जो है वो क्या कहते हैं प्रभावित होंगे, और अपने धरना करने का वो जो है अब तक सलियों पुराना जो सिलसिला चल रहा है उसमें बदलाव करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुंबई से हम लोग अभी फिलहाल कनेक्ट हो रहे हैं, आप वहीं रहते हैं, इससे पहले भी तो UDF बनी थी, बहुत सारे संगठन मिलके उन्होंने बनाया था, कहाँ एकता रह पाई? देखिए साहब, ऐसा है कि ये इत्तेहाद जो है कोई दो चार मीटिंगों से नहीं होने वाला है, मुझे सब पता है कहाँ क्या बनता है। इत्तेहाद की हमने उम्र 10 साल तय की थी, जिस दिन हमने शुरू किया है 22 अगस्त 2012 में, उसी दिन हमने तय कर लिया था इस काम के लिए 10 साल लगाने होंगे, तब जाके इसकी कहीं से कूफा निकलना शुरू होगा। दो चार मीटिंगों से नहीं होगा ये, जिसमें से 8.5 साल गुजर चुके हैं, इंशाल्लाह आपको 10 साल पूरा होते होते आपको सिंपल नजर आएगा। मैं आपसे UDF पे सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में UDF बना, अच्छी खासी सीटें भी जीत के आया, लेकिन कहां वो लोग संगठित रह पाए? साहब मैंने बता दिया, वो शॉर्टकट बनाया गया था, ये शॉर्टकट नहीं है ना, 8.5 साल इस पे पूरी कोशिश हो चुकी है, अब रिजल्ट आने की कोशिश है। 1.5 साल की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बाकी नहीं रह गया है, 6-8 महीने बाकी रह गए हैं। क्या 6-8 महीने में आप कुछ कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में आपको लगता है, या आपकी जो कोशिशें हैं वो पूरा 1.5 साल बाद ही दिखाई देंगी? हम आपके व्यूअर को बता रहे हैं, सैंपल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया, इस उम्र में जो आप कोशिशें कर रहे हैं और जो आपका जज्बा दिखाई दे रहा है और नए आइडियाज़ के साथ जो आप बात कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ़ है, इसमें आपकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। हमारे लायक कोई खिदमत हो और हमारा प्लेटफॉर्म उसमें कोई भूमिका निभा सकता हो तो बताइएगा ज़रूर, वक्त दिया आपने इसके लिए बहुत शुक्रिया।